सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल योगी चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मेरी कुछ पुरानी वीडियोज है या फिर बीच में जो वीडियोज आई है उन पे नीचे जो आप ये देख रहे हैं पट्टी चल रही है न्यूज चैनल की तरह, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। तो एक व्यूअर ने मुझसे पूछा कि सर आप कमटेशिया यूज करते हैं तो कमटेशिया में ये स्क्रॉल बार कैसे लगाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। दोस्तों देखिए, ये जो स्क्रॉल बार पट्टी चल रही है काफी अच्छी लगती है और इसको आप कंप्यूटर पर कमटेशिया की मदद से लगा सकते हैं, और अगर आप मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल के लिए भी इसके लिए एक एप्लीकेशन है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कंप्यूटर से हम इसे कैसे लगा सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर में और यहां पर मैंने ऑन किया हुआ है कमटेशिया स्टूडियो। अब देखिए कमटेशिया स्टूडियो में जो स्क्रॉल बार के लिए हमें करना पड़ता है वीडियो को सेट, तो सबसे पहले हम वीडियो को टाइमलाइन में लेते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमें कहां से स्क्रॉल बार पट्टी लगानी है। तो ये तो अभी मेरा इंट्रो चल रहा है, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे वो कौन सी। अब जैसे ये वो जगह आ गई, ज़्यादा आ गई है, थोड़ा सा पीछे लेंगे इसको, हाँ यहाँ पर बिल्कुल, हाँ यहाँ से हम लोग स्क्रॉल बार पट्टी लगाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉल आउट है, इस कॉल आउट का जो बटन है इसको हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो मैंने क्लिक कर लिया है। इसके बाद देखिए आपको बता देता हूँ, ये जो नीचे की पट्टी है, हाँ इस पर क्लिक करना पड़ेगा, जो ये ब्लैक हो जाएगी। ये देखो ब्लू हो गई और अभी ब्लैक हो गई, यानी कि इसके ऊपर हम लेयर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर ये जो चौकोर नीले कलर का दिख रहा है इसके यहाँ पे जो है, मैं दोबारा करता हूँ ठीक से नहीं हुआ, यहाँ पर जो नीचे की तरफ उल्टा सा तीर सा है यहाँ पर हमको करना पड़ेगा क्लिक। तो मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद ये जो देख रहे हैं नीचे जो अंगली दिखा रहा है टच करती हुई, टच पैड सा जो दिखा रहा है यहाँ पर हमें दोबारा करता हूँ मैं, यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब ये जो बॉक्स है यहाँ, यहाँ पर हमको वो सब लिखना पड़ेगा जो कि हमें स्क्रॉल पट्टी पर चलवाना है। अब जैसे मैं अभी मान लो ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आप स्क्रीन में, देखिए आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, ये देखिए वर्ड जो मैंने टाइप किए यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन अब मुझे तो नहीं लिखना है, मुझे तो लिखना है, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर आपने कहीं लिख के रख रखा है। देखिए मैंने वर्ड पेड पे लिख रखा है, तो ये जो लिख रखा है मैं इसको कट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कट पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, आप टाइप भी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए स्क्रीन में ये आ गया, इसको मैंने बड़ा करूँगा मैं, तो अब मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, सॉरी ये तो स्क्रीन हिलने लगे, स्क्रीन को थोड़ा सेट कर देता हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है, माउस की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको वापस सेलेक्ट किया और इसको हमने कर लिया बड़ा। अब बड़ा करने के लिए अक्षर तो बड़े नहीं हुए, अक्षर बड़ा करने के लिए हम बोल्ड करेंगे इसको थोड़ा सा, और ये जो चीज़ है यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है आप देखिए उल्टा तीर है यहाँ पे साइड में जो है ये नंबर वाला है कि हम कितना मतलब बढ़ा सकते हैं इसको। तो देखिए मैं इसकी पहले बढ़ा लेता हूँ 48 तक, तो 48 पे देखिए बड़ा हो गया वो बिल्कुल, बड़ा हो गया बिल्कुल। अब कॉल आउट में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉन्ट देख लूँगा, तो फॉन्ट ये ठीक है, फॉन्ट चलिए ये रख लेते हैं फॉन्ट, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो ए आपको दिख रहा है ना, ए अल्फाबेट जो दिख रहा है, एक्चुअली ये जो है ध्यान से देखिए ये कलर चेंज करने का एक पैटर्न है। तो यहाँ पे हम रेड रख के देखते हैं, तो अभी नहीं हुआ सेलेक्ट, तो सबसे पहले हमें जो ये हमारा लिखा है टाइप के इसको हम सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल ए करके भी सेलेक्ट कर लीजिए, ये ऑल कल हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, कलर पैटर्न में जाके कलर देखेंगे कौन सा अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं ये तो ज़्यादा, चलो नीचे करके देखते हैं, क्योंकि चलेगा तो एक ग्रीन पर, ग्रीन बैकग्राउंड पे चलेगा, तो इसलिए हम देखते हैं कलर कौन सा चलेगा, ये ठीक रहेगा। नहीं ये थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा, ये इसमें कुछ ज़्यादा चमक है, तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं कलर, चलिए ये देख लेते हैं। तो ये जैसे कलर हमने कर लिया, या फिर हम यही रख लेते हैं, ये ठीक है। अब क्या करेंगे, कितना भी बड़ा लिखा हुआ हो मतलब कितना भी बड़ा लेटर हो, ये देखिए, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए स्क्रीन पर, इसको यहाँ से हमें पकड़ना पड़ेगा जो गोल गोल, इसको लंबा करना पड़ेगा, और इसको लंबा कितना करना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूँ कि इसको हमेशा एक लाइन में ही करना है, चाहे हम कितना भी बड़ा लिख दें इसको एक लाइन में लेकर के आना है। तो आप इसको ऐसा सरकाते रहिए और जब तक सरकाइए जब तक ये एक लाइन में पूरा ना आए। तो अभी आप देखिए मैं इसको ठीक ठीक से सरका रहा हूँ, आप इसे माउस का लेफ्ट जो क्लिक है उसको दबा के सरका लीजिए, चलिए एक लाइन में आ गए। इसके बाद क्या करना है कि हमें जैसे शुरू करना है, देखिए शुरू करना है हमें नमस्कार से, तो हम इसको पूरे के पूरे जो हमारे लाइन है इसको यहाँ पे सेट कर देंगे कि यहाँ से ये इन होगा इस वीडियो के अंदर और लेफ्ट साइड के अंदर ये रन करेगा। तो अब क्या करेंगे, जो इसकी जो पट्टी है आप नीचे देख रहे हैं जहाँ पे मैंने लिखा है,
तो जो लिखा है इसको हम बड़ा कर लेंगे यहां तक। हाँ यहां तक कर लेते हैं इसको, पूरे में हम चलाएंगे, यानी ये वहां तक करना है कि जितने वीडियो में चलना चाहिए, जितने वीडियो में चलना चाहिए उतने वीडियो तक इसको खींच लेंगे। तो अब देखिए मैंने इसको खींच लिया, इसके बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन आता है मोर का, मोर में ट्रांजेक्शन आता है, ट्रांजेक्शन के बगल में ही है मोर का ऑप्शन। तो ट्रांजेक्शन के बगल में जो मोर का इसमें आया विजुअल प्रॉपर्टीज, आप देख लीजिए विजुअल प्रॉपर्टीज में जाना है और हमें क्या करना है, ये हमें करना है एड एनिमेशन। आप ऊपर देख रहे हैं जो एड एनिमेशन ये देख रहे हैं, देखिए एड एनिमेशन पर करने के पहले इस पर क्लिक कीजिए पट्टी पर, और पट्टी पर क्लिक करने विजुअल प्रॉपर्टी में जाकर एड एनिमेशन कर दीजिए। करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो लाइन हमने जान लिखी है स्क्रीन पर आप देखिए, स्क्रीन जो हमारी चल रही है जहाँ पे हमें मतलब कि प्रीव्यू दिख रहा है वहां पे जो जहां से स्टार्ट होगा इसको ऐसा चलाएंगे। अभी चला कैसे रहे बता देता हूँ। कीबोर्ड में जो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे की जो की होती है, तो लेफ्ट की मदद से हम लोग इसको चलाएंगे। अब देखिए लेफ्ट तक इसको चलाते रहेंगे, पूरा का पूरा हमको ये चलाना है जब तक ये समाप्त नहीं हो जाए। तो आप इसको चलाते रहिए, एक्चुअली एनिमेशन पे हमने ऐड कर दिया, अब हमें वो एनिमेशन करके दिखाना है जो हमने ऐड किया है। तो हमें इसी तरह चलाना है, तो हम इस लेफ्ट की से कीबोर्ड वाली से हम चला लेंगे। अब देखिए ये इसके अंदर पूरा का पूरा अंदर चला गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पट्टी आप देख रहे हैं नीले कलर की, जो लेयर जिसको हम कहते हैं, ये जो लेयर है सॉरी ये जो लेयर है इसमें आप देखिए, हाँ मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये जो गोल गोल सा है इसको हम खींच लेंगे। ये देखिए खींच लिया हमने और अब हम चलाएंगे। तो अब एक बार देखिए चल रहा है ये, चल रहा है, चल रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, मान लो हमको ये थोड़ा लग रहा है धीरे चल रहा है, थोड़ा और तेज चलाना है, तो हम क्या करेंगे देखिए इस पट्टी को छोटी कर देंगे और इसको भी छोटी कर देंगे, दोनों को छोटी करना है। अब देखिए कितना तेज चलेगा, स्पीड देखिएगा आप, ये भी जरूरी है कई बार, स्पीड देखिए स्पीड तेज है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें मान लो तेज स्पीड में दो बार दिखाना है, तो हम इसको देखो यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां पर हम कर देंगे पेस्ट, और यहां पर दो लेयर आगे पीछे लगा देंगे। लेकिन मुझे डिलीट कर देता हूं क्योंकि बहुत तेज था, अभी मुझे धीरे ही चलाना है, तो मैं इसको वापस से पहले की तरह बड़ा कर लेता हूं और इसको भी खींच लेता हूं लेयर को। अब देखिए इसको हम लगा देंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे, प्रोड्यूस करने के बाद 1080p, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे कुछ भी, जैसे स्क्रॉल और स्क्रॉल पट्टी दे देते हैं। स्क्रॉल पट्टी देने के बाद हम करेंगे फिनिश, और देखिए ये आपका रेंडर हो गया। तो दोस्तों ये था पूरा कंप्टीशन का ट्यूटोरियल स्क्रॉल बार लगाने के लिए, आपने देखा स्क्रॉल बार कैसे लगाते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने के लिए दोस्तों एक काम कीजिएगा, आप लिखिएगा #technicalyogi और उसके बाद आपका सवाल, आपका कोई सवाल होगा, अगर एक सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा तो मैं बनाऊंगा उस पर एक सेपरेट वीडियो, और अगर एक सवाल को एक या दो लोगों ने पूछा होगा तो संडे को जो कमेंट बॉक्स की वीडियो आती है मेरी, उसमें आपके सवाल को लूंगा आपके नाम के साथ और उसका दूंगा जवाब। ध्यान रखिएगा #technicalyogi, उसके बाद आप अपना सवाल पूछेगा, उसी सवाल को ही मैं पिक करूंगा। ये बहुत सारी वीडियो जो मेरे पीछे चल रही है सारी वीडियो टेक्निकल है, सारी ज्ञानवर्धक है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने सब आपके लिए बनाई है। और ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे नीचे लाल बटन जो दे रखा है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन दबाइए, बगल में जो बेल का आपको दिख रहा है बेल आइकन भी दबाइए, उससे ये होगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई तो इसे डिसलाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी लगती है तो यार इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मैं योगेंद्र मिलता हूँ आपको फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।